मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे दिल में तू विराजमान, विष्णु मेरे तू है बड़ा मेरे दिल में तू विराजमान, विष्णु मेरे परमेश्वर ने सुनाया था सबसे पहले पास्टर फलक मसीह के यहाँ पर
उस गली में सभा हो रही थी, मैं मसीह में आए हुए मुझे एक साल हो गए थे, लेकिन मैं उनके घर कभी नहीं गया, बगल में ही चर्च चलता था। तीन दिन वाला समय है दशहरे के आसपास का, और वहाँ पे सभा लग रही थी, मैं जो हमारी गली में है चलो मैं भी जाके अटेंड करता हूँ। तो जाके वहाँ बैठा, उसमें मसीह मुझे जानते नहीं थे, गली में जैसे जानते थे कि हाँ पड़ोसी हैं और यहाँ आते हैं, उनके भाई का घर, उनका परिवार का घर है। उस समय परमेश्वर के दास के द्वारा वो वचन सुना था इब्राहिम के ऊपर, और फिर मैं उनसे मिला जुला वहाँ से उनके आधार उनसे मुलाकात होती रही। और जब से बाद एक भैया ने तीन चार लोगों को बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था और मैं भी गया था, और मेरे दोस्त थे वो भी खत्म हो गए, दुनिया से चले गए वो, उस समय 23 साल हो गए उनके बाद, उसके बाद मेरी मुलाकात उनसे हो गई है, वो भी फेसबुक के द्वारा। किसी ने इनका वीडियो अपलोड किया और मेरे उसमें आया, मैंने कहा मैंने ये तो भाई है सर, फिर मैंने इनको मैसेज किया कि भाई क्या विनोद कनौजिया जी हैं? अगर हाँ मैं विनोद कनौजिया जी हूँ और परमेश्वर के दास। फिर मैंने अपना बताया कि मैंने ऐसे ऐसे मुलाकात की थी, ग्रेस में गए थे पढ़ने के लिए, और वहाँ से कि हाँ हाँ याद आ गया मुझे। तब से फिर मैं इनकी पूरे लॉकडाउन में जब से इनसे मुलाकात हुई, मैं सोचा अरे ऐसे वीडियो तो बहुत डाल देते हैं, लेकिन ऐसा वचन कितनी बेहतर रीति से इनकी गहराई के साथ जो सुना मैंने, सीखा समझा, मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे बाइबल कॉलेज भी पढ़ने गया, कई सारे कोर्स किए, लेकिन जगह जगह से सीखा, लेकिन यहाँ और बड़ी गहराई के साथ मैंने वचन को सीखा है। मैंने 4 कॉपियां लिख दी है वचन सुन सुनकर। हालेलुया। मैं जॉब पर भी होता हूँ तब भी मैं इनका वचन मौका देकर, जो घंटे का लंच हुआ तो उसको सुनता हूँ और उसको नोट करता रहता है। यहोशुआ मशीह यहाँ पर आने का उन्होंने मौका दिया, आए परमेश्वर के अनुग्रह से और मुलाकात हुई, मैं तो बड़ा बड़ा धन्यवादी हूँ। आगे का समय बहुत अच्छे गीत गाते हैं। हालेलुया धन्यवाद। तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आखे, तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आखे, तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आखे, अंगूर की बेल से पैवस्ता हर डाली सावन हो जाए, अंगूर की बेल से पैवस्ता हर डाली सावन हो जाए, कुम्हार बने कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो, यीशु 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 यीशु, तेरे लखते जिगर ने पाक खुदा वक्ते इंसान बदल वाला, तेरे लखते जिगर ने पाक खुदा वक्ते इंसान बदल वाला, तेरे लखते जिगर ने पाक खुदा वक्ते इंसान बदल डाला, ईमान जो लाए यीशु पर अंबर की धड़कन हो जाए, ईमान जो लाए यीशु पर अंबर की धड़कन हो जाए, कुम्हार बने
कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए यीशु यीशु। हालेलुया धन्यवाद स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद तेरे मार्ग कितने अद्भुत हैं तेरे काम कितने अनमोल कितने अनूठे हैं मनुष्य की बुद्धि तेरे पराक्रम तेरे यश तेरे शौर्य की था नहीं पा सकती प्रभु हम तेरे चरणों में अपने दिल को झुकाते हैं प्रभु आज की सुबह हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं इस भवन में प्रभु तेरी भेड़ों को जो तेरी चरागाह की भेड़े हैं प्रभु तेरे लहू में ही मैं छिपाता हूँ यहोशुआ मसीह लहू में छिपाता हूँ झुंड को ये तेरा झुंड है प्रभु तू इसकी निगेबानी करता है जो प्रभु अपना दास यहाँ तूने खड़ा किया उसे उसके परिवार को तेरे लहू में छिपाते हालेलुया प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बोलना और बातें करना यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम मानते हैं आमेन आमेन हालेलुया 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 प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने बहुत अरसे के बाद बहुत साल पहले इस इलाके में मैंने प्रभु का काम बहुत इलाकों में शुरू किया था वेलकम सीलमपुर पता नहीं कितने इलाकों में प्रभु की सेवा शुरू की आज फिर प्रभु यहाँ पे लेके आए प्रभु का धन्यवाद हो और मैं चाहता हूँ आप प्रभु का वचन खोलिए और प्रभु के वचन में से हम मनन करेंगे प्रभु की वाणी पे यशाया नबी की पुस्तक निकालिए उसका 59 अध्याय यशाया नबी की पुस्तक उसका 59 अध्याय और उसका आप पढ़िएगा पहला वचन यशाया 59 का पहला वचन पढ़िए सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके दूसरा भी पढ़िए परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुम से ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का वचन परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता जिसका नाम यशाया है उसके पास आया और किन परिस्थितियों में आया जब परमेश्वर की प्रजा को बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर गुलाम बना के ले गया परमेश्वर की प्रजा का एक बड़ा हिस्सा अपने देश से लगभग 700 मील दूर एक पराये देश में गुलामी में है और परमेश्वर की प्रजा में प्रभु के कुछ दास हैं जो गुलामी में चले गए हैं जैसे दानियल है उसके संग और जवान लोगों का झुंड है जो प्रभु के भक्त हैं और इज़ीकियल नबी है जो प्रभु के सन्मुख प्रश्न कर रहा है कि हे परमेश्वर तूने अपनी प्रजा को क्यों त्यागा और जिर्मिया जैसे श्रेष्ठ प्रभु के दास और यशाया जैसे बुजुर्ग दास उनको नबूकदनेस्सर लेके नहीं गया वो अपने देश में है और विलाप करते हैं परमेश्वर जाके तो परमेश्वर की प्रजा गुलामी में दासत्व में जाके परमेश्वर की दुहाई देती है और बहुत सारे लोग परमेश्वर को उलाहना देते हैं जैसे हमारे जीवन में जब विपत्तियां आती हैं विकट परिस्थितियां आती हैं हमारे जीवन में तूफान आते हैं तो हम कई बार उसका दोष परमेश्वर के ऊपर डालते हैं तो परमेश्वर की प्रजा का रवैया ऐसा है तो प्रभु के दास के पास प्रभु का वचन आता है और प्रभु का वचन क्या कहता है प्रभु का वचन कहता है देख यहोवा का हाथ छोटा नहीं क्यों परमेश्वर की प्रजा दासत्व में गई क्यों परमेश्वर की प्रजा एक पराये देश में जहां पे मूर्तियों की उपासना की जाती है जहां पे एक अलग किस्म की संस्कृति है एक अलग अलग किस्म का परिवेश है और वहां पे उन लोगों की गुलामी में परमेश्वर के लोग हैं तो प्रभु क्या अपना वचन भेजता है प्रभु कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं है कि मैं तुम्हें छुड़ा ना सकूं और ना ही मेरे कान बहरे हैं कि मैं तुम्हारी प्रभु अपना वचन देता है क्योंकि इसराइली लोगों के अंदर शायद आशा टूट रही है शायद उनकी आस्था जो है टूटने के कगार पे है तो परमेश्वर अपने नबी के द्वारा वचन भेजता है कि मेरा हाथ छोटा नहीं है और मेरे कान बहरे नहीं है
फिर भी मेरा हाथ तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं कर रहा, फिर भी मेरा भुजबल मेरी सामर्थ तुम्हारे जीवन में प्रकट क्यों नहीं हो रही, फिर भी क्यों तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरी उपस्थिति में नहीं पहुंच रही। परमेश्वर क्या वजह बताता है, इसकी कारण क्या बताता है परमेश्वर, इसका कारण बताता है दूसरे वचन में। क्या लिखता है प्रभु का दास, क्या कहता है, बट योर इनिक्विटीज, अधर्म। बाइबल में पुराने नियम में चार शब्द है, ये जो शब्द है अधर्म, ये इब्रानी भाषा का शब्द है अवान, ये वो अधर्म है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती है, ये ऐसे बुरे काम है, ऐसे बुरे पाप जो एक पीढ़ी संचय करके अगली पीढ़ी को अनुवांशिकता में दे देती है, ये वो पाप है, वो अधर्म है जो हमारे डीएनए में है, हमारे जीनोम में है, हमारे आरएनए में है, जिस अंश से मूल से हम अपनी मां की कोख में आए हैं, ये वो अधर्म है गहरा, ये ऊपर सतह का पाप नहीं है, ये मनुष्य का स्वभाव है, पापी प्रवृत्ति है, पापी मनुष्य की प्रवृत्ति है, स्वभाव है। तो प्रभु कहते हैं तुम्हारे अधर्म ने क्या किया है, तुम्हें मुझसे अलग किया है, सेपरेटेड बिटवीन यू एंड योर गॉड, तुम्हारे में और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में एक दीवार। हिंदी में क्या लिखा है, पढ़िए दूसरा वचन, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या किया है, अलग कर दिया। आपको परमेश्वर से, आपको मालूम शैतान अलग नहीं कर सकता, आपको परमेश्वर से इस संसार में दृश्य अदृश्य ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो परमेश्वर से अलग कर सके। आपको परमेश्वर से कौन अलग करता है, है? केवल पाप और अधर्म अलग करता है। जब आपके जीवन में पाप आता है, आपका संबंध परमेश्वर से टूट जाता है उसी क्षण। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कहता है तुम्हारे पापों ने तुम्हें मुझसे अलग किया है, योर सिंस हैव हिड योर फेस, तुम्हारे पापों ने मेरे चेहरे को छिपा दिया है, अब तुम्हें मेरा चेहरा दिखाई नहीं देता। और क्या लिखा है, दैट ही विल नॉट हियर यू, ताकि वो तुम्हारी अब सुनता क्यों नहीं, परमेश्वर सुनता, क्योंकि अधर्म है जीवन में, पाप है जीवन में, इसलिए प्रार्थनाएं परमेश्वर के उपस्थिति में पहुंचती नहीं, इसलिए परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। हालेलुया। तो प्रभु का दास यशाया एक बड़ा अलौकिक वचन दे रहा है, परमेश्वर का दास बता रहा है कि यहोवा का हाथ छोटा नहीं। आज मैं आपको थोड़े समय में परमेश्वर के हाथ के विषय में बताना चाहता हूँ। कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर का हाथ मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहा, कई बार ऐसे लगता है कि जैसे हमारा आत्मिक जीवन नीरस हो रहा है, ऐसे लगता है जैसे कोई उमंग नहीं है हमारे आंतरिक जीवन में, अंदर ठंडा ठंडा सा जीवन है, प्रार्थना की ललक नहीं है, वचन की भूख नहीं है, प्रभु में चलते चलते अचानक जीवन नीरस हो गया। तो क्या वजह होती है इसकी, इसकी वजह यह है कि आपके हृदय में से परमेश्वर के लिए पहला प्यार समाप्त हो गया। प्रभु यीशु मसीह इफिसस की कलीसिया को जब यूहन्ना के हाथों पत्री लिखवाता है तो यीशु मसीह कलीसिया को उलाना देता है, यीशु मसीह कहता है मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपना पहला प्यार छोड़ दिया है। जो प्रीति, जो अनुराग प्रभु से था हमें जब प्रभु हमारे जीवन में आया, धीरे 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 वो क्या हो गया, कम हो गया। हालेलुया। तो प्रभु क्या मशवरा देता है उस कलीसिया को, कहता है जा वापस वही काम कर जो तूने पहले किए, जैसे पहले प्रीति थी ना प्रभु के लिए, सुबह उठते थे, प्रार्थना करते थे, प्रभु को ढूंढते थे, प्रभु के वचन के लिए भूख थी, प्यास थी प्रभु के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए हृदय के अंदर एक आग लगती थी। आपको मालूम जब आप प्रभु से दूर होंगे और पाप में गिरेंगे तो आप के अंदर से इसके लिए प्रेम चला जाएगा, ये नीरस लगेगा आपको, प्रभु का वचन पसंद, प्रार्थना करनी पसंद नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूं बहुत मूलभूत और साधारण चीजें, कई बार शैतान बहुत चीजों को कॉम्प्लिकेट करता है, प्रभु का मार्ग बहुत सरल और बहुत ही
साधारण है, आप जटिल बनाते हो चीजों को, और वो जटिलता आपको परमेश्वर के सरल सादे सच्चे प्रेम से दूर ले जाती है। हालेलुया। मैं आपको वचन में लेके जाना चाहता हूं, मेरे से निकाले मत्ती रचित सुसमाचार, जल्दी से मत्ती रचित सुसमाचार, और उसका आप पढ़िएगा मत्ती का 14 अध्याय निकालिए जल्दी से, मत्ती का 14 उसके 22 वचन से पढ़िए। मत्ती 14 तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा करे। हालेलुया। और आगे वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने, सुनिएगा गौर से, इसका जो पृष्ठभूमि क्या है, यीशु मसीह 3 दिन से लगातार गलील की झील के नॉर्दर्न साइड पे, उत्तरी साइड पे पहाड़ों और तराइयों के बीच में 3 दिन से लगातार सभाएं कर रहा है, और बहुत बड़ी भीड़ है यीशु मसीह के संग, और उनके खाने की सामग्री खत्म हो गई है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, एक अद्भुत चिन्ह प्रकट करते हैं, 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 की भीड़, वो भीड़ के अंदर जो गिनती है वो पुरुषों की गिनती है, और बाइबल में उन पुरुषों की गिनती की जाती थी जिनकी आयु 20 साल से ऊपर होती थी, जो 20 साल के नीचे के पुरुष हैं उनकी गिनती नहीं की गई और स्त्रियों की गिनती नहीं की जाती थी। तो बहुत सारे बाइबल के विद्वान ये मानते हैं कि शायद ये भीड़ 40,000 से 45,000 के बीच में थी, जिसको यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से खिला दिया और 12 टोकरे भी बच गए। तो ये जब बड़ा चिन्ह देखा भीड़ ने, योना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में पढ़िएगा, तो उस भीड़ ने क्या किया, योना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 15 वचन में लिखा है, उस भीड़ ने जब यीशु मसीह को ये चिन्ह दिखाते देखा तो वो भीड़ यीशु मसीह को राजा बनाना चाहती थी, उसके सर पे मुकुट रख के यीशु मसीह का राज्याभिषेक करना चाहती थी। तो जब यीशु मसीह ने भापा कि ये जो भीड़ है इसके अंदर, इस भीड़ के अंदर कौन समा गया है, शैतान समा गया है, क्योंकि शैतान यीशु मसीह को सीधा क्या देना चाहता है, राज गद्दी देना चाहता है, क्राउन देना चाहता है, मुकुट देना चाहता है, ताज देना चाहता है बिना क्रूस पे गए। हालेलुया। आपको मालूम बिना क्रूस के आपको मुकुट नहीं मिल सकता। मसीह जो व्यक्ति है, स्त्री या पुरुष है, उसके जीवन में क्रूस अनिवार्य है। परमेश्वर का पथ जो है, मार्ग जो है, वो क्रूस का मार्ग है। हालेलुया। कौन सा मार्ग है, क्रूस। क्रूस के बाहर यदि कोई शिक्षा आपको लेके जाती है, क्रूस के विपरीत यदि कोई ज्ञान या तत्व ज्ञान या फिलॉसफी आपको लेके जाती है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का सच्चा प्रकाश, परमेश्वर का सच्चा ज्ञान और पवित्र आत्मा हमेशा आपको क्रूस के पथ पे लेके जाएगा। तो यीशु मसीह को शैतान का चाहता है कि यीशु मसीह क्रूस पे ना जाए, यीशु मसीह के सर पे मुकुट रखा जाए, यीशु मसीह का राज्य तिलक किया जाए और यीशु मसीह को राजा बना दिया जाए। तो यीशु मसीह ने भांप लिया कि शैतान लोगों के अंदर समा गया है, और बहुत कोलाहल सा मच गया वहां पे, बड़ा एक उत्साह सा, जोश सा लोगों के अंदर आ गया है। तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या लिखा है 22 वचन में, मत्ती 14 के 22 में, एंड स्ट्रेट वे जीसस कंस्ट्रेंड हिज डिसाइपल्स टू गेट इनटू द शिप। यीशु मसीह ने अपने चेलों को मजबूर किया, उस भीड़ में से निकाला, उस भीड़ के उल्लास में, उस भीड़ के हो हल्ला में यीशु मसीह के चेले भी खो सकते थे, यीशु मसीह के चेलों को भी, उनके दिल में भी शैतान ये आशा जगा सकता था कि तुम्हारा गुरु राजा बन जाए तो तुम्हारी बहुत मान्यता होगी, तुम अपना राज्य भी स्थापित करने पाओगे। तो यीशु मसीह अपने चेलों को निकाल के, ओरिजिनल भाषा में ग्रीक में लिखा है, ही कंपेल्ड देम, उसने चेलों को विवश किया कि नाव में बैठ के मेरे से आगे चले जाओ। तो वो चले गए, नाव में बैठ गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किधर चला गया, पहाड़ पे चढ़ गया। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं अक्सर प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाके प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं, एकांत में प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम मिलके सामूहिक रीति से प्रार्थना करते हैं, उसका भी अपना बड़ा महत्व है,
परिवार के रूप में प्रार्थना करते हैं उसका भी बड़ा महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना प्रभु के साथ वन ऑन वन, हालेलुया, वो आपके जीवन की लाइफ लाइन है। आपका जीवन मसीह में उतना ही मजबूत होगा, उतना ही अंदर से आत्मिक रीति से आप सक्षम होंगे जितना आप प्रभु के संग वन ऑन वन रिलेशनशिप का रखा। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जब भी यीशु मसीह देखते हैं ना कि शैतान कोई कोलाहल मचा रहा है, शैतान कोई गड़बड़ी कर रहा है, तो यीशु मसीह किसके पास चले जाते हैं? पिता के पास। यीशु मसीह ने देखा कि शैतान एक एजेंडे के साथ आ रहा है। शैतान का एजेंडा क्या है? यीशु मसीह को क्रूस से रोकना, क्योंकि क्रूस मनुष्य जाति के मोक्ष का मार्ग है। हालेलुया। हमारे जीवन की आशा क्या है? यीशु मसीह का क्रूस। अगर बाइबल में से क्रूस आप निकाल देंगे तो बाइबल में और दुनिया के धर्म ग्रंथों में कोई भी फर्क नहीं है। हालेलुया। तो शैतान क्या निकालना चाहता है? क्रूस। अब अंत के दिनों में क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? कैसी शिक्षाएं आएंगी? झूठी और भरमाने वाली शिक्षाएं। झूठे नबी और झूठे प्रेरित झूठी शिक्षाएं देंगे। और वचन में लिखा है, लिखा इंग्लिश का वर्ड है अपोस्टेसी, ग्रेट फॉलिंग अवे लिखा अंग्रेजी में, जिसका मतलब असल में क्या है? यूनानी शब्द है अपोस्टासिस, लेकिन असली शब्द क्या है बाइबल में क्रूस के लिए? असली शब्द है स्टोरोस। स्टोरोस का रूट शब्द है स्टासिस। अपो का मतलब क्रूस से दूर ले जाने वाली शिक्षा। भरमाने वाली शिक्षा कौन सी होगी? भरमाने वाली शिक्षा वो है जो आपको यीशु मसीह के क्रूस से दूर लेके जाती है, यीशु मसीह के लहू से दूर लेके जाती है, यीशु मसीह का संपूर्ण प्राश्चित जो क्रूस पे उसने किया उससे दूर लेके जाती है, जो शिक्षा आपको सकरे फाटक से, यीशु मसीह कहते हैं तंग फाटक से प्रवेश करो और सकरे पथ पे चलो, और यीशु मसीह कहते हैं अपने शरीर को इसकी वासनाओं सहित क्रूस पे चढ़ाओ, यीशु मसीह कहते हैं क्रूस उठाओ और अपने आप का इनकार करो, यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वो जो शुद्ध मन है, वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है बिना पवित्रता ही के कोई परमेश्वर को देखेगा। ये है असली शिक्षा, समझ रहे आप? बनावटी नकली शिक्षा क्या है? वो आपको प्रलोभन देगी कि आप यीशु मसीह को इस्तेमाल करो ताकि संसार की सारी बरकतें तुम्हें मिल जाए। उस यीशु मसीह को आपको पेश किया जाएगा जो संसार की सारी मटेरियल भौतिक चीजें आपको देने के लिए आया है। ये ऐसी बाइबल में लिखा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि उसके राज्य को और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो वो सब चीजें तुम्हें दे देगा, लेकिन आप खोज किसकी कर रहे हो? संसार और संसार की चीजों की खोज नहीं कर रहे। आप किसकी खोज कर रहे हो? राज्य में राजा की खोज कर रहे हो आप, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की खोज कर रहे हो। आप किसके पीछे भाग रहे हो? यीशु मसीह के पीछे। हालेलुया। तो प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु ने भापा कि चेले जो हैं वो भीड़ के उल्लास में खो सकते हैं, तो उसने चेलों को पहले भेज दिया तुम चले जाओ, स्वयं पहाड़ पे गया और पिता के सानिध्य में यीशु मसीह ने लगभग सारी रात बिता दी। अब देखिए आगे क्या लिखा है 23 वचन में, मत्ती 14 का 23, एंड व्हेन ही हैड सेंट द मल्टीट्यूड He went up into a mountain to pray, and when the evening was come, he was there alone. यीशु मसीह कैसे प्रार्थना कर रहा है? अकेला प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कैसे प्रार्थना कर रहा है? अकेला पिता से प्रार्थना कर रहा है। और आगे पढ़िए इसका 24 वचन। उस समय नाव भीड़ के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा विपरीत बह रही थी। ये जो नाव होती थी, इन नाव के अंदर कपड़ा लगा होता था जिसे सेल कहा जाता है। उस कपड़े के अंदर जब हवा भरती थी तो हवा नाव को धकेल के, क्योंकि उस समय अभी इंजन की खोज नहीं हुई थी, मोटर नहीं ढूंढी गई थी, तो जितने समुद्री जहाज होते थे बड़े बड़े उनके अंदर क्या लगाए जाते थे? कपड़े। विंड को, हवा को, हवा की शक्ति को इस्तेमाल करके वो बड़े बड़े समुद्री जहाज चलते थे। तो हवा कैसे बह रही है? विपरीत बह रही है। हालेलुया। कई बार प्रभु आपको किसी दिशा में भेजेगा काम करने के लिए, तो हवा विपरीत बहेगी, तो कई बार लोग निराश हो जाते हैं,
हताश हो जाते हैं और ये सोच लेते हैं शायद ये प्रभु की ओर से नहीं है और प्रभु की आज्ञा को पूरा नहीं करते। ये अवश्य नहीं है कि प्रभु आपको कोई आदेश दे, किसी उद्देश्य के लिए भेजे और आपको उस काम करने के लिए फूलों की सेज मिले, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है बहुत ही कठिन पथ हो, बहुत ही चुनौतियां हो, तो आपको हताश या निराश नहीं होना है। चेलों को नाव में किसने बिठाया है? यीशु मसीह ने। लेकिन विपरीत हवा चेलों का क्या कर रही है? सामना कर रही है। हालेलुया। तो आगे बढ़िए, क्या लिखा है? और यीशु रात के चौथे पहर जीप पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु मसीह, क्या लिखा है? रात के चौथे पहर। ये जो चौथा पहर होता है ये सुबह के 3 बजे शुरू होता है, सुबह के 3 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक चौथा पहर होता है। ये जो समय है प्राचीन समय में 8 पहरों में बांटा जाता था, 3 घंटे की एक घड़ी होती थी। यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहते हैं गतसमनी के बाद में? यीशु मसीह कहते हैं क्या तुम मेरे संग एक घड़ी भी प्रार्थना? तो यीशु मसीह के हिसाब से प्रार्थना कम से कम कितनी की होनी चाहिए? 3 घंटे की। एक घड़ी की होनी चाहिए, है ना? हम तो बहुत निपुण हैं, बहुत कुशल हैं, हम 15-20 मिनट में प्रार्थना करके अपने सारे रिश्तेदारों को लपेट लेते हैं, सारी चर्चें, सारे पास्टर, सारे हॉस्पिटल, सारी जेल और पूरा प्रचार कर देते हैं दुनिया में, इधर भेज दे, पूछते ये कर दे, वो कर दे, और ये दे दे मौसी को, ये दे दे चाची को, ये दे दे नानी को, ये दे दे, वो भी बीमार चंगा हो जाए वो भी। 15-20 मिनट में बहुत चतुराई से एक आधा भजन गा के एंड में आमीन कर देते हैं। लेकिन प्रार्थना असल में मालूम आपको क्या? प्रार्थना एक वार्तालाप है, प्रार्थना संगति है, प्रार्थना प्रभु के सानिध्य में बैठना, प्रार्थना केवल शब्द बोलना ही नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं अन्य जातियों की तरह बक बक मत करो, क्योंकि वो समझती हैं, बक बक का मतलब आप मालूम क्या आपको? अन्य जाति के लोग क्या करते हैं? मंत्र मंत्र बोलते हैं, चांटिंग करते हैं, एक ही चीज को बार 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 बोलते जाते हैं। हमें प्रभु क्या बताता है? हमें प्रभु बताता है मुझे प्रभु से बातें करनी है। मान लो मेरे पिता का नाम हो रामलाल, तो मैं घुटने टेक के बैठ जाऊं और मुझे पता हो मेरे पिता ने शाम को आना, मैं घुटने टेक के बैठ करूं रामलाल 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 रामलाल, तो इससे मेरा पिता बहुत प्रसन्न होगा। मेरा पिता चाहेगा कि मैं उससे क्या करूं? वार्तालाप करूं। प्रार्थना डायलॉग है, प्रार्थना मोनोलॉग नहीं है। जब आप प्रार्थना करेंगे वास्तव में परमेश्वर भी आपसे बातचीत करेगा, परमेश्वर आपकी आत्मा में बोलेगा, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। प्रार्थना में परमेश्वर इसकी ओर लेके जाएगा आपको, ये जीवित वचन की ओर, ये वचन आपके अंदर गूंजेगा, आपसे बातें करेगा। हालेलुया। जब आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। तो वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह पिता के संग वार्तालाप कर रहा था, लगभग सारी रात गुजर गई। यीशु मसीह मुझे नहीं मालूम 4 बजे नीचे आया या 3:30 बजे आया, वो पहाड़ से नीचे उतरा और पहाड़ के संगी समुद्र है लेकिन पहले रेत है। यीशु मसीह रेत पे चल रहा था, रेत पे चलते चलते किस पे चलने लगा यीशु मसीह? समुद्र पे चलने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह समुद्र पे चल रहा है क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी रात पिता के सानिध्य में बिताई है। हालेलुया। तो साधारण संदेश क्या है? प्रार्थना आपको परिस्थितियों के ऊपर चलने की शक्ति देगी। जो परिस्थितियां चेलों को दुखी कर रही हैं, पीड़ित कर रही हैं, उन्हें परिस्थितियों के ऊपर यीशु मसीह चलता आ रहा है। आपको मालूम यीशु मसीह समुंदर के ऊपर इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह समुंदर के ऊपर इसलिए चल रहा है क्योंकि यीशु मसीह एक मनुष्य है। मालूम आपको क्या लिखा फिलिपियों की पत्री में? फिलिपियों की पत्री में लिखा है 2 अध्याय में उसके 5 वचन से पढ़ेंगे, वहां लिखा है जो मन मसीह में था वो तुम्हारा भी हो, जिसने परमेश्वर के तुल्य होके परमेश्वर के अधिकारों को वश में रखने वाली वस्तु नहीं समझा वरन अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया, हिंदी में लिखा शून्य कर दिया। यीशु मसीह ने अपनी परमेश्वरताई का कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। मालूम आपको यीशु मसीह ने पृथ्वी पे अंधी आंखें इसलिए नहीं खोली क्योंकि वो परमेश्वर था,
यीशु मसीह ने मुर्दों को इसलिए जिंदा नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर था। यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म इसलिए नहीं किए क्योंकि वो परमेश्वर था। अगर आप प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 38 वचन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है किस विधि से यहोवा ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, वो भलाई करता रहा और उन सबको जो शैतान के हाथों जकड़े थे छुड़ाता रहा। क्या स्रोत था यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म करने का? कौन सी ऊर्जा थी जिसके द्वारा यीशु मसीह ने अद्भुत काम किए? पवित्र आत्मा। हालेलुया। यीशु मसीह एक मानव बन के आया पृथ्वी पे। यीशु मसीह ने मानव के अधिकार से, लेकिन वो आपकी और मेरी तरह मानव नहीं था। हम अपने माँ और बाप के मिलाप से पैदा हुए हैं। हमारे डीएनए में पाप है। हमारे माता और पिता के जो जीनोम थे, डीएनए था, उसके अंदर पाप है, अधर्म है। हम उस अधर्म के बीज से, अंश से पैदा हुए। लेकिन यीशु मसीह की देह अलौकिक रीति से एक कुंवारी की कोख में तैयार की गई। यीशु मसीह की देह पारलौकिक है। यीशु मसीह का शरीर आपके और मेरे शरीर जैसा नहीं है, इसलिए यीशु मसीह की देह अखमीरी रोटी है। कौन सी रोटी है? अखमीरी। पृथ्वी पे जितनी रोटियां आई हैं सब में खमीर है पाप का। एक ऐसी रोटी है जिसमें पाप का खमीर, इसलिए वो अपनी रोटी को तोड़ के कहता है ये मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जो काम मैं करता हूं वो तुम भी, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम। अगर यीशु मसीह ने ये सारे बड़े बड़े काम, आश्चर्य कर्म इसलिए किए कि वो परमेश्वर था, तो आप और मैं ये काम नहीं कर सकते। आपको मालूम क्यों? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर नहीं है, हम मनुष्य हैं। हालेलुया। तो प्रभु चलता हुआ आया, यहाँ पे लिखा है द फोर्थ वॉच ऑफ द नाइट जीसस वेंट टू देम वॉकिंग ऑन द सी। समुद्र पे चलता हुआ जा रहा है। एंड व्हेन द डिसाइपल्स सॉ हिम वॉकिंग ऑन द सी दे वर ट्रबल्ड सेइंग इट इज अ स्पिरिट दे क्राइड आउट फॉर फियर। दूर से देखा उन्होंने, इधर दूर, अभी शायद 4 बज रहे हैं सुबह के या 4:15 हो रहे हैं, वो पानी के ऊपर चलता आ रहा है। तो दूर से अंधेरे में पानी के ऊपर जब एक अंधेरी बह रही है, तूफान चल रहा है, तो दूर से चेलों को एक साया दिखाई दे रहा पानी पे चलता हुआ। तो चेले डर गए, क्योंकि यहूदी लोग ये मानते थे कि रात के समय समुद्रों पे भूतनियां घूमते हैं। तो चेलों ने क्या समझा कि कोई भूत आ रहा है, और चेले डर गए। यहाँ पे लिखा है दे क्राइड आउट फॉर फियर, इतना डरे कि डर के चिल्लाने लगे। डर के मारे को चिल्लाता है ना बहुत बुरी तरह, ऐसे चेले चिल्लाने लगे। तो क्या लिखा है 27 वचन पढ़े इसका, 14 का 27। तब यीशु मसीह ने तुरंत क्या किया? यीशु मसीह दूर थे, मुझे नहीं मालूम कितना दूर थे, 100 गज, 200 गज, 300 गज की दूरी पे होंगे यीशु मसीह, 400 गज की दूरी पे होंगे या 500 गज की दूरी पे होंगे। लेकिन यीशु मसीह दूर है, चेले इधर नाव में है, और चेले जब डर रहे हैं तो यीशु मसीह देखते हैं कि चेले डर गए, तो यीशु मसीह चेलों से बोलते हैं। जब यीशु मसीह बोलता है तो भय निकल जाता है, क्योंकि यीशु मसीह क्या कहते हैं योना रचित सुसमाचार 6:63 वचन में यीशु मसीह कहते हैं जो शब्द मैं तुमसे बोलता हूँ वो शब्द आत्मा और जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जब बोलता है, यीशु मसीह प्रवचन नहीं करता है, धर्म उपदेश नहीं देता है यीशु मसीह। जब यीशु मसीह बोलता है तो जीवन निकलता है, जब यीशु मसीह बोलता है तो आत्मा बहता है। हालेलुया। और यीशु मसीह के मुंह से निकले शब्दों में सृजनात्मक शक्ति है, क्रिएटिव पावर है यीशु मसीह के शब्दों में। तो प्रभु चेलों से बोलते हैं और क्या लिखा है यहाँ पे, चेलो यीशु मसीह क्या कहते हैं, बी ऑफ गुड चीयर इट इज आई, बी नॉट अफ्रेड। यीशु मसीह दूर थे शायद 400-500 गज दूर, तो चिल्ला के बोले होंगे यीशु मसीह, क्योंकि समुद्र के ऊपर तूफान चल रहा है। यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं, डरो मत। जब यीशु मसीह ये बोलते हैं तो उसी समय चेलों का डर हृदय से निकल जाता है। हालेलुया। तो पढ़े इसका 28 वचन में क्या लिखा है, 28 वचन पढ़े। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस जो है, हम पतरस के विषय में देखते हैं, पतरस हर काम तुरंत करता है। कैसे करता है? तुरंत हर काम में पतरस एक तरह से उतावला होता है। दूर जब उन्होंने देखा
कि पहले उन्होंने उसको कोई भूत समझा, साया समझा, लेकिन जब प्रभु की आवाज आई तो चेलों ने आवाज को पहचान लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। तो पतरस क्या कहता है, प्रभु दूर से अगर आप हो तो मुझे भी समुद्र की लहरों पे चल के आने की आज्ञा दो। तो प्रभु यीशु मसीह से क्या कहते हैं 29 वचन में, प्रभु यीशु मसीह एरामिक भाषा में एक ही शब्द बोलते हैं, उस शब्द का अनुवाद है आजा। क्या अनुवाद है? आजा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पतरस से ये नहीं कहते कि पतरस अभी तूने बाइबल कॉलेज नहीं किया, अभी तेरी बीटीएच पूरी नहीं हुई, या अभी तूने बीडी नहीं की है, या अभी तुझे इतने साल का अनुभव नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहते प्रभु। प्रभु हर उस व्यक्ति को जो नाव में से पांव बाहर निकालने की जरूरत करता है, प्रभु उसे कहते हैं आजा, मैं तुझे समुन्दर के ऊपर चलना सिखाऊंगा, मैं तुझे तूफानों के ऊपर राज्य करना सिखाऊंगा, मैं तुझे विकट परिस्थितियों के ऊपर जैवंत जीवन जीना सिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई विश्वास करे, क्या करे? तो पतरस ने प्रभु से कहा यदि आप हो, तो पतरस ने एक बहुत अच्छा काम किया। पतरस ने प्रभु के मुंह में से शब्द लिया पहले। कई बार हम पता क्या करते हैं, प्रभु की आज्ञा के बिना ही कोई काम शुरू कर देते हैं, तो जब उस काम में हम फंस जाते हैं फिर प्रभु को जाके बुलाना देते हैं। तो सबसे पहले आपको यह निश्चय करना है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो उसको प्रभु के चरणों में रखें, प्रार्थना करें, उपवास रखें और प्रभु की इच्छा जानें। जब प्रभु आपसे कहे कि मैं इस काम में तुझे सफल करूंगा, तब आगे बढ़िएगा। हालेलुया। अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से आप बहुत से प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेते हो, लेकिन उनमें से बहुत सारे काम प्रभु की मनसा के विरोध में होते हैं, इसलिए आपको निराशा मिलती है, इसलिए बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाता है, बहुत सारे लोगों के काम जो होते हैं वो असफल होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दुख भोगना पड़ता है, कईयों को लज्जित होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है अपने सब कामों में अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पतरस ने एक समझदारी वाला काम किया, यीशु मसीह ने अपने मुंह से एक शब्द दिया उसको, आ जा। हालेलुया। और पतरस ने यीशु मसीह का शब्द पकड़ लिया। हालेलुया। और पतरस क्या करने लगा, उसने नाव में से निकला और पानी के ऊपर, सामने प्रभु थे शायद 400-500 गज 600 गज की दूरी पे, पतरस नाव में से निकल के पानी पे चलता जा रहा है और किसे देख रहा है? यीशु मसीह, प्रभु की ओर देख रहा है। लेकिन आपको मालूम पतरस क्या करता है, पतरस अचानक यीशु मसीह से अपनी आंखें क्या करता है, हटा लेता है। ये मसीह लोगों के जीवन में होता है, हम शुरुआत बहुत सही करते हैं, हमारे दिल में प्रभु की ज्योत जगती है, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा की आग आती है, हमारे दिल में एक पवित्र धर्मी जीवन जीने की प्यास पैदा होती है, ये वचन हमारे अंदर जीवित हो जाता है, हमें प्रभु दिखता है, प्रभु की उपस्थिति महसूस होती है, हमें ऐसे लगता है फरिश्तों के झुंड ने हमें घेरा है, हमारे चौगिर्दे में चारों ओर प्रभु की उपस्थिति होती है। लेकिन अचानक हम अपनी आंख प्रभु से क्या करते हैं, हटा लेते हैं। इसलिए इब्रानियों की पत्री लिखने वाला 12 अध्याय में कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह को ताकते रहो। क्या करो? बहुत सारे लोग पास्टरों पे अपनी आंख लगा लेते हैं, पादरियों पे अपनी आंख लगा लेते हैं और उनको अपना हीरो बना लेते हैं, फिर जब वो पादरी साहब गिर जाते हैं तो लोगों के मसीह जीवन का जो समुद्री जहाज है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। आंख किसकी ओर लगानी है? प्रभु। जिन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि की उनके चेहरे कभी काले नहीं हुए। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की आधार, आपके जीवन की बुनियाद है प्रभु यीशु मसीह और वो जीवित है। हालेलुया। वो कोई धर्म नहीं है, वो कोई संस्कृति नहीं है, वो कोई मुर्दा पंथ नहीं है, वो जीवित है। इसलिए आप रोज आपका उसके संग संबंध चाहिए, रोज डेली आपका उसके संग क्या चाहिए, संबंध चाहिए प्रभु के संग। हालेलुया। केवल संडे का जीवन पर्याप्त नहीं है, समझ रहे आप भोजन को दिन में 2-3 बार करते होंगे ना, अगर आपको एक ही हफ्ते में संडे को ही भोजन मिले खाने के लिए तो गुजारा हो जाएगा आपका? नहीं होगा ना। लेकिन आत्मिक भोजन हम केवल सोचते हैं कि संडे को मिल जाए तो काफी है, प्रतिदिन बल्कि प्रति क्षण प्रभु के संग आपका रिश्ता चाहिए। हालेलुया। तो वचन में लिखा है,
पतरस प्रभु से अपनी नजर हटाता है तो क्या लिखा है 30 वचन में, बट वेन ही सॉ द विंड बॉयस्टरस ही वाज अफ्रेड, किसकी ओर देखने लगा, आंधी और तूफानों की ओर देखने लगा और समुद्र की लहरों की ओर देखने लगा, तो क्या हुआ, पतरस डूबने लगा। हालेलुया। शुरुआत हम करते हैं प्रभु की ओर देखने से, लेकिन बीच में जाके किधर देखने लगते हैं, दाएं बाएं देखने लगते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसी पानी में डूबने लगते हैं जिसमें हम चल रहे थे। तो पतरस पानी में क्या करने लगता है, डूबने लगता है। लेकिन पतरस जब डूबने लगता है तो पतरस एक काम करता है, क्या काम करता है, प्रभु वचन में क्या लिखा है, पतरस चिल्लाता है जोर से, पतरस पानी में डूब रहा। आपको मालूम गलील की जो झील है, अगर आप जाके देखेंगे गलील का समुंदर, वो मीन सी लेवल से 350 फीट नीचे है। वो एक विचित्र समुंदर है, उससे गहरी जगह केवल डेड सी है जो 450 फीट गहरा है। वो मीन सी लेवल से 350 फीट नीचे है, उसकी वजह से सामने हरमन पहाड़ है, उसकी वजह से क्या होता है कि दो तीन लेयर बनती है हवा की, वायुमंडल में तापमान बदलने से दो तीन लेयर बनती हैं और उसके अंदर फ्लैश तूफान आते हैं, टाइफूंस आते हैं। उसकी जो ज्योग्राफिकल भौगोलिक लोकेशन है वो ऐसी है कि समुंदर के ऊपर तूफान आ जाते हैं, चक्रवात आ जाते हैं, और जो गलील की झील है कई जगह से मील, डेढ़ डेढ़ मील नीचे गहरी है, और गलील की झील में कुछ जगह नीचे से चट्टाने आ रही है ऊपर, और चट्टानों का लघुत बना है, खो बनी है। अगर वहां पे जाके कोई नाव टकरा के चट्टानों से टूटेगी तो कोई भी बचेगा, तब नीचे चले जाएंगे वो, वर्ल्ड नीचे चले जाएंगे। तो पतरस तो मछुआरा है, गलील की झील तैरी है, इन्होंने, इनको मालूम है गलील की झील का भेद, पतरस को मालूम है। अब पतरस जहां पे डूब रहा है उसको मालूम है, अगर मैं डूब गया तो मैं बचने वाला नहीं। तो सामने प्रभु है शायद 300-400 गज की दूरी पे, इधर पतरस डूब रहा है और इधर पीछे नाव है, तो पतरस क्या करता है, पतरस प्रार्थना करता है। हालेलुया। क्या करता है, प्रार्थना करता है। तो पतरस कैसे प्रार्थना करता है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है तेरा नाम पाक माना जाए, ऐसी प्रार्थना करता है। कादरे मुतलिक खुदा, हम तो तेरा शुक्र करते हैं, तू जमीन आसमान को बनाने वाला, ऐसे बड़े भयंकर भयंकर शब्द बोलता है प्रभु के आगे। क्या कहता है, कहता है हे प्रभु मुझे बचा। कैसे बोला होगा उसने, प्रभु जी मुझे बचा लीजिए, ऐसे बोला होगा। ये है प्रार्थना। आपको मालूम ये प्रार्थना कब निकलेगी आपके अंदर से, जब आपकी जान खिड़की में फंसी होगी तब निकलेगी ये प्रार्थना, जब आपका जीवन लाइन पे होगा और आपको पता होगा अब कोई और आपको बचा, तब ये प्रार्थना अपने आप अंदर से निकलेगी। पतरस प्रभु के आगे अंदर से पुकारा और चिल्लाया कि प्रभु मुझे, ये है प्रार्थना। बाकी जो हमने रीति रिवाज परंपराएं घड़ी है ना मसीहत के संग, वो अब मनुष्य की बनाई हुई है। असली प्रार्थना इंसान के हृदय की हूक है, मनुष्य की अंतरात्मा की गहरी पुकार है अपने सृष्टा के आगे, ये है प्रार्थना। प्रार्थना के लिए जो इब्रानी शब्द है उसका मतलब आपको मालूम क्या है, मनुष्य का दिल परमेश्वर के दिल की टोह लेता है। हालेलुया। और आपको मालूम यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई अरामिक भाषा में, यीशु मसीह अरामिक बोलते थे, हिब्रू में मतलब है मनुष्य का हृदय परमेश्वर के हृदय की टोह लेता है, लेकिन जो अरामिक वर्ड है वो असली शब्द है श्लोथा। श्लोथा का मतलब है, बड़ा विचित्र शब्द है, प्रार्थना का मतलब है श्लोथा और ये बड़ा विचित्र शब्द है। इसका मतलब है जैसे एक शिकारी जाल को बिछाता है और उसके ऊपर दाना डालता है और उसकी रस्सी बंधी होती है और पीछे छिपके झाड़ी में बैठ जाता है और प्रतीक्षा करता है पंछियों के आने की, और जब पंछी आके दाना चुगने लगते हैं तो वो शिकारी पीछे से रस्सी और पंछी बीच में फंस जाते हैं। श्लोथा का मतलब है कि अपनी जान को, अपनी सोल को, अपने मन को एक जाल की तरह बिछा देना ताकि परमेश्वर के विचार उसमें फंस जाए। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के विचारों की प्रतीक्षा करना कि प्रभु आए और मेरी अंतरात्मा से हुआ बातचीत, ये है प्रार्थना। हालेलुया। तो पतरस ने प्रार्थना की प्रभु के आगे कि प्रभु मुझे बचा। तो 31 वचन पढ़िएगा इसका, 14 का 31।
यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हालेलुया। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के आगे पुकारा, जोर से दिल से चिल्लाया। प्रभु यीशु मसीह शायद वो सामने थे, जो ब्लॉक आपका शुरू होता है वहां पर वो खड़े थे, पानी के ऊपर आ रहे थे और पतरस इधर डूब रहा था। इधर से पतरस जोर से चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा। तो वचन में ये नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह वहां ब्लॉक से सामने से हड़बड़ा के भागे कि मैं भाग के जाके पतरस को बचाऊं, ऐसा नहीं लिखा यहाँ पे। क्या लिखा यहाँ पे पढ़िए फिर से 31 वचन। यीशु मसीह ने तुरंत क्या किया, ऐसे किया यीशु मसीह ने, तो यीशु मसीह का हाथ लंबा हो गया। आपको मालूम यूनानी भाषा में वर्ड है एक्टिनो, एक्टिनो का मतलब है स्ट्रेच्ड फोर्थ। यीशु मसीह का हाथ यहाँ से बड़ा और लंबा हो गया, और लंबा होकर कहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया जहां पे पतरस डूब रहा था, और एक ही हाथ से यीशु मसीह ने पतरस को यहाँ से पकड़ा। पतरस भारी भरकम चेला था, एक ही हाथ से यीशु मसीह ने पतरस को यहाँ से पकड़ा और यीशु मसीह ने पतरस को क्या किया, यहाँ पे जो ग्रीक वर्ड है एपिटानामोबेई, जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है एक हाथ से झटके से पकड़ा यीशु मसीह ने और पानी के बाहर निकाल दिया। जरा कल्पना करें, एक व्यक्ति वहां पे खड़ा है जहां से आपका ब्लॉक शुरू हो रहा है, वहां से ऐसे हाथ बढ़ाता है। आपने देखा होगा ना कई जगह दिखाते जी फलाने बाबा जी का हाथ ऐसे बढ़ गया, बाबा जी ने समुद्री जहाज डूब रहा था उसे। यीशु मसीह का हाथ छोटा नहीं है। यशाया नबी क्या कहता है इसराइल को, यशाया नबी इसराइलियों को कहता है यहोवा का हाथ छोटा नहीं है। वो कहीं से भी अपनी भुजा बढ़ा के आपको छू सकता है। वो ब्रह्मांड में कहीं भी क्यों ना हो, आप पताल के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो वहां से अपना हाथ बढ़ा के आपको छू सकता है। राजा दाऊद कहता है यदि मैं सितारों में अपना बिस्तरा बनाऊं तेरा हाथ वहां से भी मुझे नीचे उतार लेगा। उसका हाथ सामर्थी है, उसके कान बहरे नहीं है, उसका हृदय आपकी पुकार को सुनना चाहता है। लेकिन बीच में समस्या क्या है, क्या समस्या है, प्रभु की समस्या है? नहीं नहीं नहीं, समस्या हमारी है। प्रभु कहता है तुम्हारे पापों ने, तुम्हारे अधर्म ने क्या किया है, उसका चेहरा छिपा दिया तुम्हारे से, और तुम्हारे पाप ने दीवार खड़ी कर दी है कि वो तुम्हारे जीवन में काम नहीं कर सकता। परमेश्वर का सिद्धांत है इस बाइबल में, जब आप पाप में लिबड़े हो वो आपको आशीषित नहीं कर सकता। आप अधर्म में जीवन जी रहे हो वो आपके ऊपर बरकत उंडेल नहीं सकता। आज झूठे नबी तो उंडेलते हैं बरकतें बहुत लोगों के ऊपर, प्रोफेसर पापा वाले भी है ना ललित भाई, वो तो जरूर उंडेलेंगे। लेकिन ये वचन क्या बताता है, ये वचन बताता है पहले वो अपने लहू से आपको धोएगा, शुद्ध करेगा, आपको नया जन्म देगा, फिर अपनी आशीष आपकी पूर्ण करेगा। प्रभु बताता है समस्या है पाप, समस्या है अधर्म, ये मनुष्य की आंतरिक समस्या है। और प्रभु कहते हैं कि तू इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता, समाधान भी मैंने कर दिया है, मैंने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। तेरी समस्या, तेरे जीवन की हर चुनौती, तेरे जीवन की हर परेशानी का हल क्रूस के पास मिलेगा। हालेलुया। कहां है जीवन का सोता, क्रूस के पास। कहां है मनुष्य के जीवन की हर समस्याओं का हल, क्रूस के पास। हालेलुया। आपको क्रूस के पास आना पड़ेगा जहां से रक्त की धारा बहती है, और उस अलौकिक लहू में जो यीशु मसीह की जवानी का पवित्र लहू है उस लहू में स्नान करना पड़ेगा, और उस लहू की अधीनगी में अपने जीवन को लाना पड़ेगा। उसका हाथ छोटा नहीं है। यदि उसका हाथ आपके गिरेबान तक नहीं पहुंच रहा है, यदि आपकी प्रार्थना या आपकी दुहाई उसके कान तक नहीं पहुंच रही है, तो इसका मतलब आपके जीवन में क्या है, अधर्म और पाप है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। परमेश्वर ने अधर्म और पाप की समस्या का समाधान भी स्वयं किया है, इसका समाधान भी मनुष्य के पास नहीं है। परमेश्वर ने मसीह को जो पाप से अज्ञात था उसे आपके और मेरे लिए पाप बना दिया, ताकि हम उसके क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। 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 प्रभु आपका धन्यवाद हो।
प्रभु आपका धन्यवाद 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 प्रभु आपके लहू की जय सब प्रभु का धन्यवाद करें धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह समाधान बना समाधान यीशु मसीह की देह है समाधान यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु है समाधान यीशु मसीह का पारलौकिक लहू है हालेलुया समाधान परमेश्वर का शाश्वत आत्मा है समाधान परमेश्वर का जीवित वचन है हालेलुया उसका हाथ छोटा नहीं कि आपको छुए ना उसका हाथ छोटा नहीं आप अपने जीवन के किसी भी समुद्र के अंदर डूब क्यों ना रहे किसी भी तरह का समुद्र क्यों ना हो किसी भी तरह की लहरें आपकी जिंदगी की नाव को थपेड़े क्यों ना मार रही प्रभु का हाथ आपके घेरे बार तक पहुंचेगा अगर आप पुकारे मिल से हालेलुया अपने हाथ उठाइए अपनी आंखें बंद स्वर्गीय पिता मैं इस मंडली को तेरे चरणों में लाता हूं प्रभु तू जानता है इनमें से किस इसका जीवन यीशु मसीह कौन से समुद्र के अंदर डूब रहा है कौन सी चुनौतियां हैं इनके जीवन में कौन से बंधन हैं इनके जीवन में प्रभु कौन सा ऐसा वजन भारी वजन है जो इन्हें गिरा रहा है नीचे को खींच रहा है यीशु मसीह मैं तेरे खून के साये के पास इन लोगों को लेकर आता हूँ एक एक तेरा बेटा और बेटी तेरी दृष्टि में बहुत उल्लेख है एक एक जन को तेरे हुजूर बुलाता हूँ प्रभु तेरा हाथ बढ़ा के इन्हें छू हर जुआ इनके जीवन से टूटे हर बंधन इनके जीवन से टूटे तेरा लहू उनके जीवन में काम करे अद्भुत रीति से तेरा खून काम करे तेरे लहू की शक्ति काम करे यीशु नासरी प्रभु हर दीवार गिरा दीजिए प्रभु हर दीवार गिरा दीजिए हर जुआ बंधन तोड़िए ताकि आपका हाथ आपके प्रभु जी इन लोगों ये आपकी भीड़े हैं आपकी चरागाह की भीड़े हैं प्रभु इनके जीवनों में खुदावंद जितने लोग इस जगह बैठे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनके अंदर की गहराइयों में आपका आत्मा आज काम करे हालेलुया जो आंतरिक बंधन है आंतरिक जंजीरें हैं इनके व्यक्तिगत जीवन में इनके परिवार में खुदावंद या खुदावंद इनके जीवन के किसी भी क्षेत्र से वाबस्ता है वो बंधन जुए जंजीरें आपके लहू के द्वारा टूटे मैं आपके खून की कुदरत को खोलता हूँ उनके ऊपर आज आपका याजक होने के नाते मैं आपका लहू छिड़कता हूँ उनके ऊपर इनके परिवारों पे इनके खानदानों पे इनके संबंधियों पे इनके रिश्तेदार जो अभी आपको नहीं जानते प्रभु आपके प्रेम से वंचित हैं उनके ऊपर आपका लहू छिड़कता हूँ उनके लिए मोक्ष के उद्धार के छुटकारे के मार्गों को खोलिए प्रभु प्रभु अपना हाथ बढ़ा के छुइए यदि कोई रोगी है कोई मांदा है कोई कमजोर है यीशु मसीह छुइए उस शरीर को और चंगा कीजिए यीशु नासरी प्रभु यदि किसी के जीवन में कोई ऐसी स्ट्रगल है ऐसा युद्ध चल रहा है प्रभु शरीर से संसार से शैतानी शक्तियों से प्रभु मैं उस भाई बहन को तेरे हुजूर में लेके आता हूँ तेरा लहू छिड़कता हूँ अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए खुदावंद छुइए खुदावंद अपने लोगों आशीषित कीजिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपके जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं आमीन हालेलुया हालेलुया सबको जय मसीह जय मसीह हालेलुया हालेलुया सबको जय मसीह की